नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जगशीर सिंह, टीम सीएलसी सिक्कर। हम 1922 ईयर्स के 19 के जनवरी और अप्रैल वाले और 20 के जनवरी वाले प्रीवियस ईयर्स के जो जेईई मेन के पेपर हैं उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज ए कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज, हमें इसके पाथ की इक्वेशन पता करनी है, राइट? मतलब एक्स और वाई में रिलेशन पता करना है। तो देखिए आप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, के वाई आई कैप और प्लस के एक्स जे कैप। और आपको पता है वी वेक्टर क्या होता है, वैसे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई। तो आप कंपेयर करोगे, आपको पता है vx इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ky एंड vy इक्वल टू dy बाई डी टी क्या है आपके पास, kx। ओके, आपको y और x का रिलेशन पता करना है। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी इक्वल टू के एक्स बाय के वाई। के से के कैंसिल, डी टी कैंसिल, आपके पास क्या बचा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स ओवर वाई। इसको आप सीधा भी देख सकते थे, आप किसी भी स्लॉप को क्या लिखते हैं, dy बाय डी एक्स लिखते हैं। यहां से आप इसकी स्लॉप देखते हैं x अक्ष के साथ तो क्या आती, के एक्स बाई के वाई। ओके, वेक्टर वी वेक्टर का जब भी स्लॉप देखेंगे टेन थीटा, एक्स एक्सेस के साथ एंगल देखेंगे वी वाई बाय वी एक्स आएगा। वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ऐसे नहीं देखना। और स्लॉप को अपन लिखते क्या, एक्स वाई के लिए डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। आप इसको इधर लेकर आएंगे देन क्या लिख सकते हैं, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी कोई भी कांस्टेंट। तो आपके पास फाइनली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, The position coordinates of a particle moving in 3D coordinate system is given by x equal to a cos omega t, y equal to a sin omega t, z equal to a omega t. The speed of the particle is. आपको different coordinates दिए हैं। जब भी आपको coordinates दिए होते हैं velocity निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका differential करोगे। x का differential vx हो जाएगा with respect to time, y का differential vy हो जाएगा, z का differential vz हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या होगा, vx इक्वल टू क्या होगा, dx बाय dt, राइट? साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी, x क्या है, a कॉस ओमेगा टी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस ax का क्या होता है, माइनस a साइन ax होता है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, प्लस ए कॉस ए एक्स होता है। तो ये एंगल के साथ जो ए है वो बाहर आ जाएगा, ओके, अंदर भी रहेगा। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास क्या आया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्लियर? और ऐसे वी वाई क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी टी। तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी टी को साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आया, क्या आया, प्लस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? और vz क्या हो जाएगा, z कंपोनेंट क्या आएगा, dz बाई डी टी। ओमेगा t है अकेला, तो t का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। तो आपके पास क्या आ गया, a ओमेगा आ गया। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप और प्लस vz द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। वीएक्स का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका क्या आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका क्या आ गया ए स्क्वायर ओमेगा का रूट आ जाएगा। ओके, अब जब आप इसका रूट करोगे आपके पास ए स्क्वायर हर जगह कॉमन आ रहा है, तो बाहर कितना आया ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया रूट 2 ए ओमेगा आ जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 2 ए ओमेगा, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड and 2 kilometers per second respectively from a point on the horizontal ground. They are fired in all of possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by 2 guns on the ground is. देखो जब भी आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो वो किसी डायरेक्शन में जाकर के r डिस्टेंस पर गिरेगी। अगर आप उसे सर्कल में रोटेट कर दोगे यूँ 360 डिग्री पर, तो उस केस में क्या है एक सर्कमफरेंस बनेगी किसकी सर्कल की। उस सर्कल के लिए उसकी मैक्सिमम रेडियस क्या होगी, उस बॉडी प्रोजेक्ट बॉडी की मैक्सिमम रेंज होगी। तो जो डिस्टेंस है वो उस मैक्सिमम रेंज तक भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। मतलब उस प्रोजेक्टेड बॉडी की जो रेंज है वो 0 से लेकर r तक कुछ भी हो सकती है, और r क्या है यहाँ मैक्सिमम। और जब आप 360 डिग्री पर रोटेट करोगे उसके इनक्लाइन एंगल को चेंज किए बिना, तो वो एक क्या बनेगी सर्कल की सर्कमफेरेंस। इसका मतलब जो बुलेट्स है वो मैक्सिमम रेडियस के उस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर गिर सकती हैं, मतलब एरिया कितना कवर करेंगी उस सर्कल के एरिया के बराबर होगा। अब वो मैक्सिमम रेडियस जो है उसकी आर जो है मैक्सिमम वाली वो किसके बराबर होगी मैक्सिमम रेंज के, और रेंज मैक्सिमम क्या होती है व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री देन इन प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। u क्या है उसकी वेलोसिटी, तो आप लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय, तो मैक्सिमम कवर्ड एरिया क्या होगा उसका मैक्सिमम कवर्ड एरिया जो है आपके पास वो होगा पाई r मैक्सिमम का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं पाई u4 बाय जी स्क्वेयर, ये मैक्सिमम एरिया होगा। दोनों बुलेट के लिए पाई जी स्क्वेयर कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करेगा u पर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ 4 किसकी u की। तो दोनों के लिए एरिया का रेशियो क्या हो गया a1 बाय a2 इज इक्वल टू u1 बाय u2 रेज टू पावर 4। तो आपके पास क्या आ गया स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1/2 की पावर 4, तो कितना आ गया 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा 1:16 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। बेसिक क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट ए टाइम t = 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शो इन फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t = 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन में 2 तरह की गलतियां हो सकती थी, एक का चांस नहीं रहा। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होता, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन से ना होता तो आप गलती कर सकते थे। मेरी बात क्लियर। दूसरी गलती आप अब भी कर सकते थे कि उसने 5 सेकंड तक पूछा है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है, पूरा ही एरिया निकाल लेता है। मोस्टली बच्चे ये गलती कर देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ना लेकर के डिस्टेंस वगैरह बोल देते हैं कि टोटल डिस्टेंस या टोटल पोजीशन क्या होगी, एरिया होगी। एरिया ऑलवेज क्या होता है, देखिए आप कह सकते हैं कि चेंज इन जो पोजीशन होती है, चेंज इन पोजीशन, और वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होती है। ओके, कहा वीटी कर्व में, वीटी कर्व में चेंज इन पोजीशन इक्वल टू एरिया बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस। आपको बोला गया है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू इसका एरिया होगा। अब एरिया कौन सा होगा, देखिए अगर हम एरिया की बात करें यहां से, तो आप एरिया सिर्फ इतने तक का निकाल लोगे क्योंकि आपको 5 सेकंड का पूछा है। तो 5 सेकंड का एरिया निकालने के लिए मैं सेगमेंट अलग अलग बना लेता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये 3 अलग अलग सेगमेंट बने हैं। एक तो ये आपके पास ट्राइंगल है, एक आपके पास ये स्क्वायर है, और ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपके पास इनका एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 2, हाइट क्या है 2, ट्राइंगल का एरिया यही होता है ना। इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस इस वाले रेक्टेंगल का क्या हो गया, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 इंटू 3, ये 1 है, ये 3। उसके बाद आप यूनिट देखना है, ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है। ऐसा ना हो ये मीटर पर सेकंड हो, ये मिनट हो, तो आपको उस मिनट को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये मिनट हुई तो हर जगह 60 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर, हर प्रोडक्ट के अंदर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, मतलब कॉमन लेकर 60 कर। ये सेंटीमीटर में हुआ तो आपके पास अगर सेंटीमीटर पर सेकंड और सेकंड होता तो रिजल्ट सेंटीमीटर में आएगा, उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, लेकिन यहां पर सब कुछ मीटर पर सेकंड और सेकंड में दिया है, कोई टेंशन नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, 2 + 4 + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 9 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, फिर से प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टी इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड इज आर। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर इज। आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। गौर से देखिए, जब भी आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट, आपने इसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, थीटा इसका एंगल है, आपके पास वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर। अब देखिए, इसके लिए जब इसे 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है तो 1 सेकंड बाद देखो Vx आपके पास क्या होगा, Ux के बराबर रहेगा, वो 10 cos 60 ही रहेगा ऑलवेज, और वो कितना है 5 मीटर पर। और Vy की बात करें अपन तो क्या होगा, Uy - GT होगा, Uy - GT। अब Uy आपके पास कितना है, 10√3 है, कितना है 10√3। वेलोसिटी क्या थी 10 और टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, 10√3/2 माइनस 10 × 1। तो आपको दिख रहा है ये 5√3 है, ये 10 है, तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बॉडी के अंदर अगर हम बात करें वेलोसिटी जो है, ये लोकेशन जो है, ये मैक्सिमम हाइट के बाद की है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है। कैसे नेगेटिव आ रहा है, ये 5√3 है, ये 10 है। ओके, तो इसका मतलब यहां कहीं होगा। मान लीजिए ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट, ये इसकी टोटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ये आपके पास Vx है, जिसका मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ये आपके पास Vy है। Vy के साथ साथ ये एक और भी रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके एक्सेलरेशन g को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात क्लियर। अब आप यहां Vy की वैल्यू नेगेटिव ऑलरेडी ले ली अपन ने, तो अपन कह सकते हैं कि Vx तो आपके पास 5 है और Vy आपके पास क्या है, इसे आप ले लीजिए डायरेक्ट 10 - 5√3 लिख सकते हैं। ओके, 10 - 5√3। 5√3 का मतलब 1.7 मतलब 8.5 से समथिंग ज्यादा है, तो 10 मतलब 1.5 के आसपास आ जाएगा, 1.4 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा इसको। ओके क्लियर। ये क्या है 1.73 × 5 था, तो 1.4 के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है। क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखिए ये टोटल वेलोसिटी है आपके पास v, ये आपके पास नेट ग्रेविटी g है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप देखोगे कंपोनेंट क्या होगा इसका, g साइन थीटा होगा ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लिखते हैं, r = क्या लिखोगे, v/ परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। किसके परपेंडिकुलर? v के। तो आप लिख सकते हैं v/a परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया यहां, g साइन थीटा आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहां से देखिए ये थीटा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना आपका। ये क्या है vx, ये क्या है v। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, vx/v लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना vx/v, और vx कितना आपके पास 5 है, तो इसका मतलब आप साइन थीटा को क्या लिखोगे 5/v। तो आपके पास आ गया ये क्या आ जाएगा 5 सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। r क्या होता है v² a परपेंडिकुलर, वेलोसिटी स्क्वायर/a परपेंडिकुलर। ओके, ये v² g साइन थीटा। यहां से क्या आया 5/v, तो आपके पास क्या आ गया v ऊपर जाएगा, v³ / 5 × g 10 है, तो कितना आ गया 50 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक लंबी कैलकुलेशन मिलेगी। कैसे? v की वैल्यू क्या है आपको दिख रहा है, v क्या है vx² + vy² का रूट, जो 5² + 1.4 का स्क्वायर 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 ना आकर 5 से स्लाइटली ज्यादा आएगा। अगर ये 5 ही होता है, नहीं है होता, अगर ये 5 ही होता तो 125/50 क्या हो जाता आपके पास 2.5 हो जाता। लेकिन ये क्या है 5 से स्लाइटली ज्यादा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा 2.5 से ज्यादा होगा। देखो ऑप्शन में देखें, एक तो 2.5 है जो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब होगा जब v की वैल्यू क्या होती 5। तो एक क्या है 2.5 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। ओके, आप निकाल सकते हो, वैसे भी यहां से इनका रिजल्ट निकाल लोगे, 5² + 1.4 का स्क्वायर का रूट करोगे, यहां से 5 पॉइंट समथिंग आएगी, उस वैल्यू को यहां पुट करोगे, एग्जैक्ट आंसर भी आपके पास आ जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि एक लंबी कैलकुलेशन से बचने का मेथड क्या है, आपको पता है वेलोसिटी 5 से स्लाइटली ज्यादा है, अगर 5 होती तो रिजल्ट क्या मिलता 2.5। आपको पता है 5 नहीं है, 5 से स्लाइटली ज्यादा है, तो रिजल्ट भी क्या होगा 2.5 से ज्यादा। वो कौन सा है 2.8, 5.1 तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया 2.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको दिया है पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पॉइंट टू i cap + 4 j cap एट t = 0 with initial velocity 5i cap + 4 j cap. It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration for i cap + 4 j cap m/s². What is the distance of the particle from the origin at t = 2 sec? देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है u vector t + 1/2 a vector t। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको इसकी पोजीशन पता करनी है। पोजीशन पता करते ही आप ओरिजिन से उसकी डायरेक्ट डिस्टेंस पता कर लो। तो पोजीशन आपको क्या पता होती है, आर वेक्टर माइनस आर नॉट को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 4 प्लस u t, t कितना है 2 सेकेंड, u क्या है 5i कैप प्लस 4, इसको 2 से करेंगे तो क्या आ गया 10i कैप प्लस 8 जी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर, टी स्क्वेयर का मतलब 4, तो 4 इंटू बाई 2 करेंगे 2 बच गया 2a वेक्टर, a आपके पास ये रहा, तो 2 से करेंगे क्या आ गया 8i कैप प्लस 8 जी कैप, आपके पास क्या आ गया 20i कैप प्लस 20j कैप। तो आप लिख सकते हैं 20i कैप प्लस, आपको डिस्टेंस का मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 20√2 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, बट ही फाइंड द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजिशन, इफ द वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड देन स्पीड ऑफ द प्लेन। देखो यहाँ कोई मैन है, ये एरोप्लेन आ रहा था, उसको क्या लग रहा है साउंड इधर से आ रही, लेकिन एग्जैक्टली वो था कहां पर, जस्ट उसके ऊपर था, और उसको क्या लगा वर्टिकल के साथ, कहां से कह रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पर आ रहा है। इसका मतलब जितने टाइम में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतने में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, साउंड। साउंड की वेलोसिटी v है तो इसकी क्या होगी v, इसका मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब vp इक्वल टू क्या होगा v। क्लियर ना, जितने टाइम में ये इतना चलता है उतने टाइम में साउंड यहां आती है, तो हॉरिजॉन्टल साउंड की वेलोसिटी क्या होगी v cos 60, तो आप लिख सकते हैं v/2 मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A passenger train of length 60 meter travel at a speed 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travel at a speed of 30 km per hour. The ratio of the time taken by the passengers train to complete cross the freight train when they are coming in the same direction and in the opposite direction. देखिए जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो अपन डिस्टेंस क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम। अगर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। ओके, अब सेम डायरेक्शन में होगी देन देयर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनके स्पीड के डिफरेंस के बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में होगी देन उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए आपको टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग देखने की बजाय रेशियो पूछा है, तो T1/T2 क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव के, डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव सेकंड केस में और रिलेटिव फर्स्ट केस। देखिए सेकंड केस में देखिए दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया 80 + 30 = 110, और फर्स्ट केस में क्या है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, उनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 11/5, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिलेटिव मोशन का है। ओके, देखिए क्या है, शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट विद अ वेलोसिटी 30i कैप प्लस 50j कैप। या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नॉर्थ ईस्ट का अमूमन हम क्या लेते हैं 45 डिग्री लेते हैं, राइट, इसने वो डायरेक्शन दी उनके बीच में कहीं जा रही। वेयर आई पॉइंट ईस्ट एंड j नॉर्थ, शिप बी इज एट ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर east, 80 kilometer east and 150 kilometer north of the ship A. अलग अलग दिए, दोनों पोजीशन दिए and sailing toward west at a 10 kilometer per hour. A will be at minimum distance from B in. कितने टाइम बाद, मैं पेपर ले लूं इधर से, कितने टाइम बाद, पेज खाली कर ले, कितने टाइम बाद वो कह रहा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। देखिए ये आपके पास क्या है नॉर्थ और ये आपके पास क्या है ईस्ट। ओके, जो बी है उसकी इनिशियल पोजीशन जो दी है इसने वो दिया है 80 किलोमीटर ईस्ट है और 150 किलोमीटर क्या है नॉर्थ है, मतलब ये रहा कहीं, ये बी की लोकेशन है राइट, उसके लिए ये आर वेक्टर है आपके पास। मेरी बात क्लियर? और बी की उसने वेलोसिटी दी है कि ये वेस्ट में जा रहा है, ये आपके पास वी बी वेक्टर है और वी ए वेक्टर उसने दिया है आपको, ऑलरेडी दे रखा है क्या, वी ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, वी ए वेक्टर इक्वल टू 30i कैप प्लस 50j। और वीबी वेक्टर आपको दिया है, क्या दिया है, माइनस ईस्ट में वेस्ट में है माइनस 10i कैप। मेरी बात क्लियर? एक आपको 10i कैप दिया है, दूसरा आपको 30i कैप प्लस 50j कैप दे रखा है। ओके, आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखे, देखो ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ये मान लो ए है, ये ए की वेलोसिटी थी कहीं। ओके, आप ए की बी के रेस्पेक्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे, बी को रेस्ट मान लेंगे और उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। तो आपके पास माइनस करेंगे, ये क्या आ गया 40i कैप प्लस 50j। ये डेफिनेटली यहां कहीं होगा, ये डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, VAB को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब यहां से जो परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि इसको आपने रेस्ट में लिया था, ये इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। मेरी बात क्लियर? और इन्होंने रिलेटिवली जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ये है और इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा है राइट। आप इस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आपको गिवन है, कितना गिवन है, आर वेक्टर गिवन है 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, आपको VAB पता लग गया है, अगर आपको थीटा पता लग जाए आप एस मिनिमम पता कर लोगे। आप एस मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, एस मिनिमम इक्वल टू ये 90 डिग्री ये बेस हो गया, तो आपके पास क्या आ गया आर कॉस थीटा आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और आर कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहां से VAB डॉट आर को आप क्या लिखोगे, VAB R cos थीटा लिखो, VAB R cos थीटा। इसका मतलब R cos थीटा आपके पास क्या होगा, R cos थीटा होगा VAB डॉट R होगा ओवर। कोई कंफ्यूजन? तो आपके पास टाइम क्या होगा, वो मिनिमम के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और किस स्पीड से चल रहा है वो, AB से चल रहा है। और जब आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आया, VAB वेक्टर डॉट R वेक्टर बाय VAB का स्क्वायर। ओके, अब आप यहां पर वैल्यू रख लीजिए। AB वेक्टर आपके पास क्या है 40i कैप प्लस 50j कैप। मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, कैलकुलेशन करनी आसान रहती है। तो क्या आ गया 4i कैप प्लस 5 जी डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर में भी मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा आपके पास 8i कैप प्लस 15 ओवर ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी के लिए 10 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 9 प्लस 25 सॉरी 16 प्लस 25 कितना 45, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू रूट 41 का स्क्वायर। ये पता लगा 41 कैसे आया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 कितना होता है 41। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या आया यहां से 32 प्लस 75 ओवर 41, आपके पास कितना आ गया 107 बाय 41। ओके 107 बाय 41, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 के बहुत पास होगा तो 2.6 के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेशन निकाल लेना लगभग कितने आवर्स आ जाएगा 2.6 आवर्स आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई 10th क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, स्विमर कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, what should be the direction of the swimmer with respect to flow of the river to cross the river straight। बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है। देखो इसमें 3 तरह के कंसेप्ट बनते हैं, मैं इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। 3 तरह के पार करने के, इसको क्रॉस करने के बनते हैं। ये आपके पास रिवर है, उसकी कोई विड्थ दे रखी है। पहला केस तो है कि मैन इधर चलता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वो किसी इस लोकेशन पर पहुंचता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपके पास क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उस केस में हम कहते हैं कि इसको चलने में डिस्टेंस तो ये ट्रैवल करनी पड़ी। एक केस ये होता है जिसमें वो इस डायरेक्शन में चलेगा, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वो स्ट्रेट पहुंच जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये उसका शॉर्ट पाथ होता है। उस केस में मान लो वो थीटा एंगल से जाता, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा VMG को आप ऐसा भी लिख सकते हैं VMR cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहां टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम इसकी विड्थ क्या है मान लो D है, तो D बाय VMR cos थीटा। शॉर्ट डिस्टेंस में चला है क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस वो यही चला, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, तो ये अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये क्या होगा अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। और इस केस में आपके पास टाइम ये रहेगा, इस थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये पता है आपको परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो आप लिख सकते हैं VRG बाय VMR। डेफिनेटली RG कम होगा MR ज्यादा होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात देखिए यहां पर VMG आपके पास क्या आया था, VMG यहां से देख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर का रूट। अब अगर इसे क्रॉस करने का टाइम मिनिमम हो तो उस केस के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, तभी टाइम मिनिमम होगा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो थीटा क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब वो स्ट्रेट जाएगा। तो ये क्या है अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू आप वैसे निकाल लोगे। अब इसमें पूछ सकता है विद द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है रिवर के फ्लो के साथ जो एंगल होता है, इस डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं अप स्ट्रीम कहते हैं। ये अप स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है और वो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम से एंगल क्या हो गया इसका 90 प्लस थीटा, अप स्ट्रीम से क्या हो गया 90 माइनस थीटा। मेरी बात क्लियर। अब तीसरा केस जो आता है उसमें अगर VRG ज्यादा हो जाए VMR से, तो वो कभी भी इस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता, डेफिनेटली किसी आगे वाले पॉइंट पर पहुंचेगा। ओके, और उस केस में अगर वो इधर चलता है और वो इस पॉइंट पर पहुंचे जिसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, और ये ड्रिफ्ट अगर मिनिमम हो उस केस के लिए ये एंगल पता है क्या होना चाहिए। ये आपके पास क्या है VMR, ये आपके पास क्या है VRG। खैर इसको लोग डिफाइन करते हैं, अपन डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसी से देख लेंगे। आपको पता है यहाँ पर VRG ग्रेटर देन है किससे, VMR से। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, VMR/V, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, बाकी इसकी एक्स निकालनी है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा क्या VMR साइन थीटा, और इधर को क्या है VRG, और इधर क्या मिला इसका, ये है VMR कॉस थीटा। अब क्रॉस करने का टाइम निकाल लेंगे, क्या होगा T = D/VMR कॉस थीटा। थीटा आपको यहां से पता लग जाएगा। अब आपको x में वेलोसिटी पता लग जाएगी, x में क्या वेलोसिटी है VRG - VMR कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। अब x मिनिमम के लिए आप निकाल लेंगे, x मिनिमम क्या हो जाएगा Vx × T। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में बनते हैं। ओके, मैं वापस क्वेश्चन पर आऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवर का फ्लो इतना है, स्विमर सामने जाना चाहता है, ओके, जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता था, तो डेफिनेटली इधर जाने के लिए उसे इधर चलना पड़ेगा। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो। फ्लो क्या है, ये रहा। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, आप इस थीटा को निकाल सकते हैं। अभी निकालना था, क्या निकालना था, साइन थीटा = परपेंडिकुलर/हाइपोटेनियस। VRG फ्लो ऑफ रिवर कितना दे रखा है 2 किलोमीटर, और मैन की वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको 4, तो आपके पास थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपसे अल्फा पूछा गया है, अल्फा क्या हो जाएगा 90 + थीटा = क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। आपके पास फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन देखिए। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r vector = 15 t² i cap + 4 - 20 t² j cap। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। देखो पोजीशन दिया है, पोजीशन का डिफरेंशियल क्या होगा वेलोसिटी, i का i की तरफ लेंगे, j का j, या 15 t², टी स्क्र का क्या होता है 30t हो जाएगा, टी स्क्र का 2t होता है तो क्या हो गया 30t i cap, प्लस 4 का क्या होता है 0, माइनस टी स्क्र का 2t तो कितना आ गया 40t j। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल फिर कर लेंगे, t का 1 होता है 30 i cap, ये -40 j cap आ जाएगा, t का फिर 1। इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है t = 1 सेकेंड पर क्या एवरी सेकेंड पर ये एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, और किस डायरेक्शन में है देखिए, i पॉजिटिव है और j नेगेटिव है, कुछ ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। एंगल भी आपसे पूछ सकता था, आप निकाल सकते थे। खैर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या हो जाएगा आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड 30² + 40², 10 कॉमन ले लेना, 3 i cap - 4 j cap, तो यहां से आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन क्या है, फिर से एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया है कि प्लेन इज इनक्लाइंड एट एन एंगल α = 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u = 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन, मेकिंग एन एंगल एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्रॉस्ड द डिस्टेंस, सॉरी मेकिंग एन एंगल फॉर 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एज शो इन फिगर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। आपको बेस से डिस्टेंस पता करनी है। मान लीजिए ये देखिए, ये प्रोजेक्टाइल है, यहां जाकर हिट करती है, आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। ये मान लो L है, आपको L पता करना है, मेरी बात के लिए। ये आपके पास मान लीजिए Y है, ये मान लो एक्स है। आप भूल जाए कि ये इनक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल है, आपके पास ये प्रोजेक्टाइल कहां पर है, ग्राउंड टू ग्राउंड ही है, ऐसा मान लीजिए ओके। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए आपके पास एंगल कितना है, 45 डिग्री है ओके। और जब 45 डिग्री एंगल है उस केस में आपको इसका प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज पता है। आर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है, यू स्क्र बाय जी। यू आपको 2 दिया है तो 2 स्क्र 4/10 इसकी रेंज हो जाएगी। ये इसका वाई है, ये इसका एक्स है। आपको एल पता करना है, ये एंगल 30 डिग्री है। आपके पास इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो 45 डिग्री है, 1 माइनस एक्स बाय आर। आप एक्स और वाई को एल की टर्म में लिख दीजिए। यहां से आप वाई को क्या लिख सकते हैं, L/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, L/2। वाई क्या है, इस 30 डिग्री के लिए वाई परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एल साइन 30। एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एल कॉस 30, मतलब √3 L/2। 1 माइनस यहां से क्या आ गया, √3 L/2 आर, ये कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, 1 इक्वल टू √3 - 3 L/2। आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आपके पास 3 L/2 R इक्वल टू √3 - 1, मतलब 0.73 लिख सकते। तो आपके पास L क्या आ गया, 2 R × 0.73/3। ये हो गया, R क्या है 4/10, तो आपके पास कितना हो गया, 8/30 × 0.73 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8 × 7.3/3 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट 59 के करीब हो गया, बाई 3 अप्रॉक्सीमेट 20 के आसपास आ जाएगा। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 820 सेंटीमीटर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज वाई इक्वल टू 2x - 9x²। इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद स्पीड वी नॉट, देन जी इक्वल टू आपको दे रखा है थीटा और उसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए y इक्वल टू क्या है, 2x बेसिक क्वेश्चन है, -9x²। आप कह सकते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x - 9x/2 लिख सकते हैं। और आप वैसे इसको क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। अगर आप कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, लेकिन आंसर आपको सारे कॉस और साइन में दिए हैं। तो आप क्यों ना एक ट्रायंगल बनाकर इसका रिजल्ट निकाल लें। ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये आपके पास √5। तो आपके पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 1/√5 और साइन आ जाएगा 2/√5, मतलब कॉस 1/√5 और साइन क्या आ जाएगा 2/√5। मतलब इसका थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ये तो आपको पता लग गया नहीं। अब देखिए वेलोसिटी के लिए ये रेंज है, तो यहाँ रेंज क्या आ गई आपके पास, 2/9 आ गई। तो r इक्वल टू होता क्या है, V0² 2 sin θ cos θ/g, और इक्वल टू कितना दिया है आपको, ये देखिए 2/9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, V0² g कितना है 10 साइन थीटा क्या है यहाँ से 2/√5 और ये क्या है 1/√5, तो क्या आ गया 2/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये कैंसिल हो गया 5 से, आपके पास V² इक्वल टू क्या आ गया 25/9, तो V0 कितना आ गया 5/3 आ जाएगा। यहाँ 5/3 है, यहाँ 3/5 है, ये नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मास 50 kg एंड ए मैन मास 50 kg एंड हिज सन 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। The man pushes his son so that he starts moving at a speed 0.70 meter per second with respect to man. The speed of the man with respect to surface is. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का कंसेप्ट भी लगा है. ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हैं दोनों. जब एक बंदा उसे पुश करेगा तो वो खुद पीछे को भी एक फोर्स उस पर लगेगा, वो खुद पीछे भी जाएगा. ओके, इनिशियली मोमेंटम आपको पता है जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. मैन बॉयज पर लगा रहा है, बॉय मैन पर लगा रहा है. ओके, अब देखिए फाइनल मोमेंटम को आप क्या लिखेंगे, मैन का मास m 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉयज का मास 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो. आपके पास क्या आ गया, 5vmg वेक्टर प्लस 2vbg वेक्टर. आपको दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मैन पुशेज हिज सन दैट ही स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड 0.70 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मैन. आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू मैन दिया है, कितना दिया है. आप इसे लिख क्या सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉयज विद रेस्पेक्ट टू मैन को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉयज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसको इधर लाएंगे, आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉयज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू मैन और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5vmg प्लस 2vbm प्लस 2vmg और इक्वल टू जीरो. आपके पास क्या आ गया, 7vmg वेक्टर इक्वल टू माइनस 2vbm वेक्टर. माइनस क्या शो करता है, अगर बॉयज आगे की ओर जा रहा है तो मैन पीछे, अगर एक पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो दूसरा नेगेटिव, क्योंकि पुश करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे. ओके, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.70, तो 2 into 0.70, तो आपके पास vmg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0.20 मीटर पर सेकेंड एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉयज. मेरी बात क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए. एक बार फिर से एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड यू सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट. इफ t1 t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज, The product of T1 T2 is. इस पर मैं थोड़ा सा लंबी बात कर लेता हूं इस कंसेप्ट पर. आपके पास प्रोजेक्टाइल है, रेंज सेम है, एक को अल्फा से प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को बीटा से प्रोजेक्ट किया. रेंज दोनों के लिए सेम है, हाइट दोनों के लिए अलग अलग है, टाइम दोनों के लिए अलग अलग है. उस केस में आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे, देखो कंडीशन होती है इस केस में अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्री. कंडीशन याद रखना क्या रहेगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. मेरी बात क्लियर. इस केस में हाइट का रेशियो क्या होगा, h1 बाय h2. हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. यू दोनों में सेम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल का स्क्वायर हो जाएगी. तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा, और आपको पता है बीटा क्या है, 90 माइनस अल्फा, जो कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा. साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा. एक बात आपसे टाइम का रेशियो पूछ लेता है, t1 बाय t2 क्या हो जाएगा, t होता है 2u साइन थीटा बाय g. तो u साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, u सेम है तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाय साइन बीटा, जिसे आप लिख सकते हैं टेन अल्फा, क्योंकि बीटा क्या है 90 माइनस अल्फा। इसके बाद देखिए हाइट का रेशियो के बाद हाइट का सम पूछ ले, तो आप कह सकते हैं यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन है, पहले का क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरे का क्या है साइन स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा को आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। देखो अल्फा एंगल वाले का, बीटा वाले का, और ये किसका है 90 वाले का, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो उनकी हाइट का सम भी क्या होगा 90 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। अगर प्रोडक्ट की बात कर लेता तो आप क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरे को कॉस स्क्वायर अल्फा भी पड़ा है, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन। आप इसमें गौर से देखो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो इधर क्या आएगा 1/16, ऊपर क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय g का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा। u स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, g स्क्वायर था, 2 नहीं था, मैंने 4 से मल्टीप्लीकेशन किया, ये रेंज का फॉर्मूला बन गया। तो आप लिख सकते हैं r स्क्वायर बाय 16, इसका मतलब r क्या होता है रेंज होती है 4√h1। कोई कंफ्यूजन। अब जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात कर ले, अगर टाइम का प्रोडक्ट देखें तो t1 बाय t2 क्या होता है 2u साइन अल्फा बाय g, और 2u साइन बीटा बाय g, उसे आप बदल दोगे किसमें अल्फा में, तो साइन बीटा भी क्या हो गया कॉस अल्फा हो गया। आप इसे लिख सकते हैं 2/g 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय g, लिख सकते हैं ना, 2 फालतू था, एक को मैंने अंदर लिख लिया, u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय g, ये रेंज बन गया। तो आपके पास क्या आ गया 2r बाय, इसका मतलब r इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते थे g बाय 2 t1 t2, ऐसा भी लिख सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 t2। तो ये कुछ बातें हैं इस पॉइंट से आपको याद रखनी होंगी। ओके, मैं वापस क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अभी पढ़ा था r बाय, अभी क्या पढ़ा था r इक्वल टू g t1 t2 बाय 2, तो t1 t2 किसके इक्वल हो गया 2r बाय g के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज r बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 h2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था r स्क्वायर इक्वल टू 16h1 H2, okay? Next देखिए, next 17 number question देखिए। A particle start from the origin at t equal to 0 with an initial velocity 3i meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration 6i 4j. The x coordinate of the particle at the instant 1, y coordinate is 32 is d meter. Then find the value of d. सिंपल क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, पोजीशन से आपको निकालना है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, x आपसे पूछा है। देखो y इक्वल टू क्या होगा uyt प्लस 1/2ay, y गिवन है, कितना गिवन है 32, तो क्या आ गया 32 इक्वल टू uy। टोटली वेलोसिटी किधर थी x में थी, y कंपोनेंट क्या है 0 प्लस 1/2 ay कंपोनेंट क्या है आपके पास 4 है। ओके, तो कितना आ गया 4 into t square, ये कैंसिल हो गया 2 से, 2 कैंसिल हुआ 16 से, तो कितने टाइम बाद हो जाएगा 4 सेकंड बाद ऐसा होगा। तब उसने x पूछा है और x को उसने d लिखा है, क्या होगा वो UXT प्लस 1/2 AX, तो आप लिख सकते हैं D इक्वल टू UX कितना है 3 और T कितना है आपके पास 4 प्लस 1/2 AX कितना है 6 इंटू T स्क्वेयर कितना है 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 48 और इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, आज की इस असाइनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है जो इंटीजर टाइप आया था, इस साल आया था। ओके, क्या क्वेश्चन है देखिए। ए पार्टिकल इज मूविंग, जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। Particle is moving along the x-axis with its coordinate with time t is given as xt equal to 10 plus 8t minus 3t square. Another particle is moving along the y-axis with its coordinate as a function of time yt equal to 5 minus 8t cube. At t equal to 1, the speed of the particle, speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is given as root v. then v क्या है देखिए, दो पार्टिकल है, आपको उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी है। सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के फ्रेम में देख रहा है। पहले देखिए फर्स्ट की वेलोसिटी, मान लो ये a है तो a की वेलोसिटी क्या होगी देखिए, इसका डिफरेंशियल करेंगे dx by dt और क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा 0, 8, -6t। कौन सी डायरेक्शन है, x एक्सिस, तो i कैप। t इक्वल टू 1 सेकेंड की वो बात कर रहा है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हो गया 8 - 6 मतलब 2i कैप हो जाएगा। ऐसे में v भी वेक्टर देखूंगा तो आप y की बात करेंगे, तो y का जब आप डिफरेंशियल देखोगे तो क्या था 5 मतलब 0 - 24t स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 1 है, ये j कैप में है तो आप लिख सकते हैं vb वेक्टर इक्वल टू -24j। अब उसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a देखेंगे तो क्या आ गया vb वेक्टर माइनस va वेक्टर, तो आपके पास क्या आया -24j कैप और -2i कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड वो कहता है मेजर्ड एज रूट v, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया vba इक्वल टू क्या है रूट -24 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और इसको उसने क्या लिखा है रूट v लिखा है। तो इसका मतलब आपको रूट के अंदर की वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, क्या होगा v इक्वल टू इसका क्या हो गया 576 और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 580 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीजर टाइप था, इसका आंसर हो जाएगा 580। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन तक का 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन था। ओके, थैंक यू।